आपकी लाइफ में जो भी तस्वीरें आएगी वो रियल में ब्रह्मांड में आपके रियल लाइफ में दिखाई देगी। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन पर सेट करके रखा है, लेकिन रुक जाना है और सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर आपको उस वक्त नर्वस लग रहा है तो सिंपल है, वो बातें भूली है। आपको उसी वक्त कोई अच्छी बात सोचनी है जिसे सोच के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सविता और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को किस तरह से सेट करना है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम हमारे विचारों को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो तो उसका मतलब है आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हो उसी चीज़ के ऊपर। अगर वो चीज़ बुरी है, अच्छी है, कोई भी है, आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आपने उस फ्रीक्वेंसी को सेट करके रखा है। जैसे कि अगर आप बार बार अपनी चमचमाती नई कार के सपने देख रहे हो, अपने ड्रीम हाउस के, अपने ड्रीम जॉब के, एक आदर्श जीवन साथी पाने की, जो भी चीज़ें आप बार बार सोच रहे हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी तरह से सेट कर रहे हो। आप जो भी पाना चाहते हैं अगर आप उसे देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उसकी पिक्चर देख सकते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन पर हो। अपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन पर सेट करके रखा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में बार बार बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये काम अच्छा नहीं है, वो मेरी लाइफ से इस तरह से खेल रहा है, मेरी ये चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती, मेरा बॉस हमेशा चिल्लाता रहता है, मेरी जॉब अच्छी नहीं, मेरा घर अच्छा नहीं है, कुछ भी अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जी रहे हो और उसी तरह से और ज़्यादा एनर्जीज आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने ब्रह्मांड में वही छोड़ के रखा है। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना सीखना है। जैसे कि मैग्नेट की तरफ लोहा खींच के आता है, वैसे ही हमारे विचार चुंबकीय होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। हम जो सोचते हैं उसको खींच के हम ब्रह्मांड से ले लेते हैं, हमारे विचार वस्तु में बदल जाते हैं और हमें वही देते हैं जो हम सोचते हैं। हम सबको पता है कि टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर फ्रीक्वेंसी पे प्रसारण करता है, जो कि आपके टीवी में तस्वीरों में बदल जाती है, वही फ्रीक्वेंसी। किसी को नहीं पता कि वो किस तरह से कन्वर्ट होती है, किस तरह से टीवी चलता है, किस तरह से क्यों आती है, किस तरह से वो कन्वर्ट होती है, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन हम सबको ये पता होता है कि अगर हमें कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो हम चैनल को चेंज कर देते हैं। अगर कुछ बुरा चल रहा है, कोई इमोशनल चल रहा है, आपको बुरा लग रहा है उसे देख के, आपको पता है आपको कॉमेडी सीरियल देखनी है, तो आप रिमोट का बटन दबा देते हो और चैनल चेंज करके आप जो चैनल चाहिए वो लगा के आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हैं। मतलब आप अपने रिमोट से आपके टीवी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो और आप जो इमोशनल हो रहे थे आप अभी हंस रहे हो क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। यही आपको रियल लाइफ में भी करना है। रियल लाइफ में भी आप एक रिमोट कंट्रोल हो और ये ब्रह्मांड आपका टेलीविजन है। आप अपने रिमोट कंट्रोल से अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर सेट करना सीखोगे तो आपकी लाइफ में जो भी तस्वीरें आएगी वो रियल में ब्रह्मांड में आपके रियल लाइफ में दिखाई देगी। और आप ये सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना सीखोगे। जब भी आपके दिमाग में बुरे विचार आने लगते हैं उसी वक्त आपको रुक जाना है और सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर आपको उस वक्त नर्वस लग रहा है तो सिंपल है, वो बातें भूली है। आपको उसी वक्त कोई अच्छी बात सोचनी है जिसे सोच के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी, और अगर कुछ भी नहीं है ना तो एक कोई भी अच्छा गाना जो आपको अच्छी फीलिंग देता है उसको सुन के आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है और जो भी नेगेटिव थी, जो बैड थी, उसको पॉजिटिव में करना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अच्छा महसूस करना है। अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप जो महसूस करते हो आपको वही 100 गुना ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो आज से, अभी से अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना सीखो और जो चाहिए वो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करो। पॉजिटिव रहो, हैप्पी महसूस करो, फील करो और फील करके जियो। तो गाइस, आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।